अपनी सास के साथ लिपट गई। उसने कहा, मैं तेरे बगैर नहीं रहूंगी, मैं तेरे साथ जाऊंगी। मैं समझता हूं कितनी बड़ी वो सास थी, वो कितनी बड़ी औरत थी जिसने अपनी बहू के दिल के अंदर घर कर लिया। आज ये बहू और सास के दरमियान मेरी हद आ गया। सास और बहू ये बड़े ड्रामे स्टार टीवी पे लगते हैं। मैं कहता हूं स्टार टीवी को देखना और उससे बहू और सास के दरमियान लड़ाई और झगड़े को देखने से बेहतर है कि वो रूथ को पढ़े और ये जाने कि रूथ और जो भाई था रूथ और उसकी सास के दरमियान कितनी बड़ी मोहब्बत थी, कितनी बड़ी मोहब्बत थी कि वो उसके साथ चले गए। हालांकि उनके साथ उनके हस्बैंड नहीं थे, रूथ के साथ उसके हस्बैंड नहीं था, लेकिन वो अपनी सास के साथ जाने के लिए तैयार थी। उसने क्या अपने खुदा को उसके सामने रिप्रेजेंट किया होगा, कैसे उसने अपने खुदा को बताया होगा कि ये मेरा खुदा ऐसा खुदा है, मेरा खुदा इतना मोहब्बत करने वाला खुदा है, मेरा खुदा जहां जहां जाएंगे हमारे साथ होगा, मेरा खुदा तुझे वहां पर फलदार करेगा, मेरा खुदा जो है वो अजीम खुदा है। उसने किस तौर से अपनी बहू को, वो जो मुआबी थी, वो जो कभी खुदा के घर के अंदर आने का हिस्सा नहीं था जिनका, उनको किस तौर से उसने मायल कर दिया था, कायल कर दिया था कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है। आज हम अपने रिश्तों से क्या, हम लोगों से नहीं अपने रिश्तों को ये नहीं बता सकते, हम अपने घर के अंदर अपने खुदा की अजमत को नहीं बता सकते, अपनी बेटियों को अपने बेटों को हम ये नहीं बता सकते कि मेरा खुदा अपने एक्सपीरियंस अपने तजर्बात को बताए कि खुदा मेरा खुदा ना कभी छोड़ेगा ना मुझे कभी दस्तबरदार करेगा, रहेगा और वो हमारे साथ रहेगा। और जब ये हम लोगों को बताएंगे, बच्चों को बताएंगे, तो कल वो भी खड़े होंगे। यहां पर रूथ को ये बताया गया था, इसलिए उसने कहा तू जहां जाएगी मैं भी जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं भी रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा, जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वहां दफन होंगी। खुदा मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा कर दे। इस तौर से लिपट गई, मरने तक वो तैयार थी। हमें यीशु की मोहब्बत से भला कौन जुदा करेगा? आज कौन सी चीजें हैं जो हमें खुदा की हजूरी से, हमें बैतलहम से, हमें रोटी की घर से रोके हुए हैं? लोग इसलिए कि उनको शायद यह नहीं पता कि मेरा खुदा कितना असीम खुदा है। अली मलिक का खुदा, जिसका मतलब क्या मेरा खुदा बादशाह है, उनको इनकी समझ नहीं है। इसीलिए वो एक दिन आते मुंह चूमते खुदा का, उसके चर्च को चूमते, उसकी कलीसिया के साथ थोड़ी नफाकत रखते और फिर महीना गायब रहते। क्यों? इसलिए कि उन्होंने सफर का आगाज किया लेकिन उससे लिपटने की कभी कोशिश नहीं। लिपटने के साथ बड़ी बरकत है। और ये औरत ने, रूथ ने, एक मुआबी औरत ने, एक मुआबी लड़की ने बड़ी बरकत पाई। उसकी बरकत क्या थी? वो बोएज की वाइफ बनी, बोएज से ओबेद पैदा हुआ, ओबेद से यस्सी पैदा हुआ, यस्सी से दाऊद पैदा हुआ और दाऊद से यस्सु पैदा हुआ। ये मुआबी औरत इस खानदान का, उनके अबाव अजदाद का, वो उनके अबाव अजदाद की जो है वो बड़ी बन गई। किस वजह से? क्योंकि उसने जो कमिटमेंट की थी उस कमिटमेंट के ऊपर कायम रही। आज हम कमिटमेंट करते हैं, खुदा के साथ वादे करते हैं, कलीसिया के अंदर आने के वादे करते हैं, लेकिन वादे भूल जाते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि इन वादों के पीछे कितनी बड़ी बरकत है। उसके साथ लिपटने से कितनी बड़ी बरकत है जिन्होंने उसे नहीं छोड़ा। हम उससे अलहदा होकर और खुदा का कलाम कहता है जो पर तुम जो खुदामंद अपने खुदा से लिपटे रहे हो सब के सब आज तक जिंदा हो। हम ऐसे जिंदा है जो उसके साथ लिपटे हुए हैं। हमारी कब तक रूहानी मौत हो चुकी होती अगर हम खुदा के साथ लिपटे ना होते। और ये इस्तिस्ना उसके चार बाब उसकी चार आयत के अंदर लिखा हुआ है, पर तुम जो खुदामंद अपने खुदा से लिपटे रहे हो सब के सब आज तक जिंदा हो। लिपटे, वो बोसा लेकर वापस चली गई, वो चूम कर चली गई। यहूदा इस्करियोती गतसमनी के अंदर उसने यीशु का बोसा लिया, उसने चूमा उसे और वो चला गया। लेकिन खुदा का बंदा यहूदा
उसके साथ साथ लिपटा रहा। जहां जहां यीशु को लेके जाते वो उनके साथ साथ जाता रहा, यहां तक के हर एक ट्रायल के अंदर वो खुदावन यीशु मसीह के साथ था। और उसे इसके बाद जहां यीशु मसीह को सलीब पर दिया गया वहां भी वो सलीब के पास था, इसलिए उसे बरकत मिली। और बरकत ये थी कि उसने अपनी मां मरियम को उसके सुपुर्द, ये बहुत बड़ी खिदमत उसे दे दी, बहुत बड़ी खिदमत। और उसे जिम्मेदार शख्स, उर्फा जिम्मेदार नहीं निकली, वो वापस अपने माजी के अंदर चली गई। वो अपने माजी को नहीं छोड़ना चाहती थी, वो अपने कुत्तों को नहीं छोड़ना चाहती थी, वो अपनी पुरानी जिंदगी को नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन रूत ने अपने बेहतर मुस्तकबिल का जो है वो उसने अपने बेहतर मुस्तकबिल की तरफ देखा, और वो अपने बेहतर मुस्तकबिल की तरफ चली, और वो बैतलहम का उसने सफर जारी रखा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बैतलहम का सफर शुरू किया था, लेकिन आज वो बैतलहम के अंदर, वो रोटी के घर के अंदर नहीं, वो खुदा की कलीसिया के अंदर नहीं है, वो खुदा के हजूरी के अंदर नहीं है, क्योंकि वो लिपटे नहीं रहे। अगर बस तुम जो खुदावंद अपने खुदा से लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जिंदा हो, तो वो जिंदा भी नहीं रहे। शायद वो जिंदा हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर उनकी मौत हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने लिपटने से इनकार कर दिया, वो चूम कर छोड़ चुके हैं, उनसे वो आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन यहां पर जो औरत रूत है वो अपनी कमिटमेंट के ऊपर जो है वो खड़ी है, और वो उसने सफर जारी कर दिया है। रामकृष्णा कलाम में सलातीन की दूसरी किताब उसका 18वां बाब लिखा हुआ है, उसकी 5 से और 8वीं आयत से लिखा है, हिजकिय्याह के बारे में लिखा है, वो खुदावंद इसराइल के खुदा पर तवक्कुल करता था, ऐसा कि उसके बाद यहूदा के सब बादशाहों में उसकी मानद एक ना हुआ, और ये उससे पहले भी कोई नहीं था, क्योंकि वो खुदा से लिपटा रहा और उसकी पैरवी करने से बाज ना आया, बल्कि उसके हुक्मों को माना जिनको खुदा ने मूसा को दिया था। अब देखें, उसकी मानद कोई बादशाह बर्पा हुआ नहीं है, और उसके बाद भी कोई नहीं हुआ, क्यों? उसकी वजह यह थी कि वो अपने खुदावंद खुदा से लिपटा हुआ था। जब आप और मैं खुदावंद अपने खुदा और उसके हुक्मों के साथ लिपट जाते हैं, तो फिर खुदा उसकी कदर करता है। इसलिए तो हिजकिय्याह ने जब दुआ की तो खुदा ने उसे रद्द नहीं किया, उसकी मौत को उसकी खुशी के अंदर तब्दील कर दिया, और उसे 15 साल और जिंदगी बढ़ा दी। क्यों? इसलिए कि वो खुदा के हजूर खुदा के साथ लिपटा हुआ, लिपटा हुआ था। आज हमें भी लिपटने की जरूरत है। और खुदा उनका कलाम इमारत की किताब उसका 11वां बाब उसकी 23वीं आयत में कहता है कि वो पहुंच पर खुदा के फजल को देखकर खुश हुआ, कौन? बरनबास। और उन सबको नसीहत की कि दिली इरादे से खुदावन से लिपटे रहो, खुदावन से लिपटे रहो। और खुदावन के लिपटने के अंदर ही हमारा, खुदा के साथ लिपटने के अंदर ही हमारी जिंदगी है। हम उर्फा के बारे में कुछ नहीं जानते, बाइबल उसके बाद खामोश है, लेकिन रूत आगे आज तक हम जानते हैं कि वो खुदा के बंदा दाऊद की परदादी बन गई। आज हमें इससे पता चलता है, जब हम उस नस्ल को देखते हैं तो ये खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, लेकिन उर्फा के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया, क्योंकि वो लिपटी नहीं, बल्कि उसने चूम कर उसे वहीं पर उसे छोड़कर चली गई। आज वो जो आज तक लिपटे हुए हैं खुदा के साथ, आज तक खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, खुदा उनको बरकत देता है। मेरे साथ खुदा के जिंदा कलाम में से पैदाइश 32 बार मैं जिक्र करने लगा हूं यकूब का। यहां पर यकूब अकेला रह गया और वो खुदा के फरिश्ता के साथ कुश्ती कर रहा है। 26वां आयत लिखा हुआ है, और उसने कहा कि मुझे जाने दे क्योंकि वो फंस चली। यकूब ने कहा, जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने, क्योंकि वो लिपट गया, वो खुदा के फरिश्ता के साथ, वो खुदा के साथ लिपट गया। उसने कहा, जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अगर वही उसका भोसा लेकर उसे छोड़ देता तो क्या उसे बरकत मिलती? क्या रूत उर्फा की मानत भोसा लेकर वापस चली जाती तो क्या उसे बरकत मिलती? क्या वो बनी इसराइल का हिस्सा बन जाती? क्या वो बनी इसराइल के बड़े बड़े बादशाहों की जो है वो अबाउज दाद के अंदर शामिल हो सकती? ऐसा नहीं था, क्योंकि वो लिपट गई। और यहां पर खुदा का बंदा यकूब खुदा के फरिश्ता के साथ लिपट गया, उसके साथ कुश्ती की, उसे छोड़ा नहीं है। आज हम रास्ते में छोड़